बलवान रहसे और थोड़ा सौदा लोगो लेट बिके जब नई नई दुकान रहसे। गाने को अच्छी अच्छी चीजें भी गाई जाती हैं और पूरी रात्रि हरियाणा की बात आप सुनेंगे, लेकिन इस बस्ती में इस रूप में हम पहली बार आए हैं, तो आधा घंटा 20 मिनट में हम भी आपको पहचान लेंगे और आप भी हमें पहचान जाओगे। अब जहां सीधी गोली बारूद चले वहां सूतड़े का बम से के फर्क पड़े, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन सूतड़ी के बम चलाने वाले भी बारूद गोले चला सकते हैं, लेकिन कब? जब एक दो आदमी पीछे खड़े दिखते हैं, तो वो काम आप करोगे, फिर गोली चलाने का काम हम करेंगे। लेकिन उससे पहले तो अभी एक दो तो बम भी देखो पहले। हाँ, आइए एक प्रसंग मैं आपके बीच में पेश करता हूं। सजनो, जिस समय महाराज भर्तृहरि अपना राजपाट सब कुछ छोड़ करके और वियाबान में भगवान की भक्ति के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, उन्हीं के भाई जिनका नाम पहले विक्रम हुआ करता था, लेकिन जब राजा ने उन्हें अपने महल से बाहर भेजा, कत्लेआम फांसी का हुक्म दिया और जल्लादों ने जब उन्हें जीवित छोड़ दिया, तो उनके साथ में चार वीर भी लागू हो गए थे, इसलिए उनका नाम हुआ राजा वीर विक्रमादित्य। सजनों, राजा वीर विक्रमादित्य उज्जैन नगर का राज करते हैं। राजा इतने दयालु हैं, इतने धर्मात्मा हैं, दयावान हैं, निष्ठावान हैं कि राजा के राज में किसी प्रकार का कोई मनुष्य मात्र दुखी नहीं है, यहां तक कि पशु पक्षी भी दुखी नहीं है। सजनों, इधर जो मान सरोवर ताल पर जो हंस रहा करते थे, उन हंसों की और वरुण देवता की लड़ाई हो जाती है। उन हंसों को 12 साल का दिसोटा दे दिया गया, वो हंस उड़ते उड़ते और उज्जैन नगर में आ जाते हैं। जब उज्जैन नगर में आए तो उन्हें पता लगा कि उज्जैन नगर के राजा वीर विक्रमादित्य हैं। सजनों, राजा वीर विक्रमादित्य से मुलाकात करने के लिए वो हंस उनके दरबार में चले जाते हैं और राजा से कहते हैं कि महाराज, हम हंस हैं और हम मान सरोवर ताल पर रहा करते थे, हमारी और वरुण देवता की लड़ाई हो गई, इसलिए हमें 12 साल का दिसोटा मिल गया। हंसों की बात सुनकर के राजा का हृदय भी नरम हो गया, आंखों से आंसू आ गए कि हंसों, ये समय जो तुम में आया है, ये समय एक टाइम मेरे अंदर भी आया था। मैं तुम्हें मेरे महल में रखूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि आप खाते क्या हैं। सजनों, हंस हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज, हम तो अन्न बिन मोती ही चुगते हैं। जब मोतियों का नाम लिया और एक तरफ 12 साल वीर विक्रमादित्य हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज हंसों, आप कहीं भी चले जाओ, क्योंकि मेरे पास में मोतियों का इतना आगड़ा नहीं है कि मैं 12 साल आपको खिला सकूं। जब एक क्षत्रिय के मुख से इस प्रकार की बात उन हंसों ने सुनी, तो हंसों की आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे, महाराज आप चाहे हमें बिल्कुल भी मत डांटना, बिल्कुल भी मत रोकना, लेकिन एक बार जो हमारे मन की जो बात है वो आप सुन लीजिए। तो किस प्रकार से राजा हंसों की बात सुन रहा है और हंस राजा से क्या कह रहे हैं, यहीं से मैं धर्म कथा शुरू करता हूं। बोलिए भगत और भगवान की। आइए सुनिए। Thank you.
शहर में ठहरा ले छतरी, फिर शहर में ठहरा ले छतरी, अब नाटिए मत ना, और शहर में ठहरा ले छतरी, नाटिए मत ना, और मारे दुख दर्द की पूछ लिए चाहे दाटिए मत ना, शहर में ठहरा ले छतरी, नाटिए मत ना, दुख दर्द की पूछ लिए दाटिए मत ना, शहर में ठहरा ले छतरी, नाटिए मत ना, तेरी शरण में ये हंस आगे, राजा तेरी शरण में हंस आगे, राजा तेरी शरण में हंस आगे, पर काटिए मत ना, दुख दर्द की पूज लिए चाहे काटिए मत ना, शहर में ठहरा ले छतरी, नाटिए मत ना, किस्मत फूटी में तेरा नाके लिख राखी मारी, किस्मत फूटी में, राजा ये सोना चांदी तो दुनिया पहनती है लेकिन ओ मैं हीरा तेरी गुठी में, मैं हीरा तेरी गुठी में, राजा मैं हीरा तेरी गुठी में, विष चाटिए मत ना, राजा
और हमारी कुछ फरियाद है, आप सुनिए क्या कहते हैं नंबर तीन में। ओ नल राजा का राज लुटिया था, चौपड़ जुगे भगत पड़ा कुए में, पूरण भगत पड़ा कुए में, हो पूरण भगत पड़ा कुए में, तू आटिए मतना दुख दर्दा की बूझ लिए, चाहे डाटिए मतना शहर में ठहरा ले छतरी नाटिए मतना, दुख दर्दा की बूझ लिए चाहे डाटिए नुगरान मांगे राम ज्ञान नुगरान, मांगे राम ज्ञान नुगरान, बाटिए मतना दुख दर्दा की पूछ लिए, चाहे डाटिए मतना भगत और भगवान की। बोली श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। परमेश्वर के गुण गाऊं मैं दो भक्ता सुबह श्याम, कदे ना कदे तो जरूर सुने मेरे सिद्ध हो जाएंगे। कहे मांगे राम ज्ञान नुगराने बाटिए मतना, और मारे दुख दर्दा की बूझ लिए चाहे डाटिए मतना। सजनों इस प्रकार की बातें सुनकर के राजा का हृदय गदगद हो जाता है। राजा की आंखों से आंसू आ गए कि हंसो जितने दिन का दाना पानी मेरे दरबार का मेरे यहाँ का तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। सजनों नगर में एक महल की व्यवस्था करवा दी और तमाम हंस उसी में रहना शुरू कर देते। 11 साल और 11 माह पूरे हुए, एक महीना शेष रहा, सभी हंस आकर के बुड्ढे हो गए और राजा वीर विक्रमादित्य के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे महाराज, आप हम सभी के पालनहार बनके, हम सभी के दाता बनकर के, और आपने हमें 11 साल और 11 महीने तक पनाह दी, आसरा दिया। एक महीना शेष है,
हम उड़ते उड़ते आसमान में बिता लेंगे और हमारा दिसोटा पूरा होते ही हम मानसरोवर ताल पर चले जाएंगे। लेकिन राजन, आपका एहसान, आपका ये गुण हम जीती जिंदगी कभी भी नहीं भूलेंगे। सजनों, सारे हंस मिलकर के राजा की जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं और राजा को आशीर्वाद देते हुए और राजा के महल से विदा होते हैं। तो राजा को क्या आशीर्वाद देते हैं, कैसे राजा के जीवन की मंगल कामना करते हैं, सुनिए और क्या कहते हैं वो हंस। भाई ये तो भगवान की माया है, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे सो घड़ा तो ऋतु आए फल होए। सारी बातें होंगी, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप सुनते रहें। आइए ओ बचा लिया हम दुखियों का मान, बचा लिया हम दुखियों का मान, ओ बड़ा बलकारी तेरे राज में रहती दुनिया सारी, देते आशीर्वाद रहे तपधारी। ओ दरवाजे पे आके डट के करया आदर सत्कार, अण बिन मोती दिए खान ने कर दिए हाजिर त्यार, अण बिन मोती दिए खान ने कर दिए हाजिर त्यार, आए हुए भिखारी का आए हुए भिखारी का तने कर दिया इशाकरार, हम देते आशीर्वाद भूप तेरी होगी जय जयकार, देते वाद भूप तेरी होगी जय जयकार, देते आशीर्वाद भूप तेरी होगी जय जयकार, अब यहां से होगा न्यू जाना, यहां से होगा
समय का ओ कहन पुगाना, समय का कहन पुगाना, बात कहे सारी और खुल्या भरम से सब कर्मों की गत न्यारी। और जुग जुग जीवे भूप बड़ा बलकारी। ओ, 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 दरवाजे पर आए हमें ये आस उम्मीद किसी से भी नहीं जो तुमसे थी। और आज तक तो तुम्हें लोग राजा वीर विक्रमादित्य कहते थे, लेकिन हम आज के बाद एक नाम तुम्हें और देते हैं। क्या कहते हैं वो हंस सुनिएगा। पाया कोन्या पार भूप हम झुका रहे सब शीस, दुनिया में तेरा भला करे वो निराकार जगदीश, दुनिया में तेरा भला करे वो निराकार जगदीश, और किसी चीज की कमी ना छोटी तने दुर की भरती फीस, अब ते आगे तने कया करेंगे हम राजा विश्वा बीसे, अब ते आगे कया करेंगे राजा विश्वा भी, अब ते आगे कया करेंगे राजा विश्वा भी, तुम ही हो एक ऐसे महीपाल, ही हो एक ऐसे महीपाल, डांट दी और सब हंसों की जाल, डांट दी सब हंसों की जाल, तू सैन्यकारी और के कह दे विस्तार कही ना जारी। ओ और जुग जुग जीव है भूप इस्या बलकारी। ओ, 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 बाद हम सभी तुम्हें विश्वा बीस कहा करेंगे। विश्वा बीस का नाम सुन के राजा ने हाथ जोड़ लिए, नहीं हंसों मैं इस नाम के काबिल नहीं हूं, क्योंकि विश्वा बीस तो भगवान होता है। महाराज आप भी भगवान से कम नहीं हो, क्योंकि हमें आसरा दिया और हमें भोजन तक दिया, इसलिए आपका यह एहसान हम जिंदगी भर तक भी नहीं भूलेंगे। क्या कहते हैं।
उज्जैन नगर में रह चहल पहल, 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 और सदा रहे गुलजार जहाँ तेरे जैसे भूप बसे से समझदार होशियार, तेरे जैसे भूप बसे से समझदार होशियार, और दुखियारे की चाहत कर दी, दुखियारे की और बात राख ली, और समझा सही विचार, अब हाथ जोड़ के चाल पड़े वो हुए नगर के बाहर, हाथ जोड़ के चाल पड़े वो हुए नगर के बाहर, हाथ जोड़ के चाल पड़े वो हुए नगर के बाहर। अब देखिए माया भगवान की, हो फर फर उड़ते जा रहे थे, फर फर उड़ते जा रहे थे, वो मन में खुशी मना रहे थे, मन में खुशी मना रहे थे, बात कहूँ प्यारी और कह रे विश्वा बीस हकीकत सारी, ओ ओ सुन रहा था, कौन सुन रहा था ये बात, और सुन रहा था वो इंद्रदेव तप धारी, ओ 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 रास्ता रोक लिया, आके रास्ता रोक लिया वो इंद्रदेव भगवान, कह रे विश्वा बीस हंसो किसका से व्याख्यान, कह रे विश्वा बीस हंसो किसका से व्याख्यान, और किसने विश्वा बीस कहे धन बिल्कुल नहीं पिछा, विश्वा बीस तो हुआ करे वो जगन्नाथ भगवान, विश्वा बीस हुआ करे वो जगन्नाथ भगवान, विश्वा बीस हुआ करे वो जगन्नाथ भगवान, ओ अंकुर अंकुर समझ गया सब हाल, 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 गाना से बहुत बड़ा बवाल, गाना बहुत बड़ा जंजाल, यो से लहदारी क्योंकि समझदार होशियार समझते सारी, जुग जुग जीवे भोपाल रहे बलकारी, ओ ओ, 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 ओ